So hello guys, welcome to my channel. My name is Aish और आज हम वापस से खेल रहे Minecraft Royal. तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो कि आपको गोल्ड और डायमंड 100% कहाँ पे मिलने वाला है. तो गाइस आप वीडियो को पूरा देखिए. पहले मैं बेसिक चीज़ें इकट्ठा कर लेता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. तो फिर भाई कोई चिंता मत करो, आप बस वीडियो के मजे लीजिए. तो भाई आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि आपको गोल्ड, डायमंड, लापिस लजुली, रेडस्टोन और भी बहुत कुछ आयरन और तो भर भर के मिलेगा. तो फिर चलो शुरू करते हैं. तो फिर आप बिल्कुल सीधे जाते रहिए जैसा मैं जा रहा हूँ. आपने देख लिया होगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ. गाइस आपको आगे जाके दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे कोयले, तो इसे इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि आपको टॉर्चेस बनाने पड़ेंगे और बहुत ज़रूरत है टॉर्चेस की उस गुफा में. तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कई मन चाहिए. मैं तो बस बता रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. तो आप बस देखते रहिए. तो भाई बस सीधे जाते रहिए. एक मिनट भाई मैं टॉर्च बना ले रहा हूँ, आप भी बना लीजिए तब तक. अब देख सकते हो मैंने बहुत सारे टॉर्चेस बना लिए हैं. 64 के दो है और 16 के एक और. तो फिर आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे कहाँ गया, हाँ वो देख सकते हो आपके वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ पे एक गुफा है. उसके अंदर नहीं जाना है, बस आप उसके साइड से होते हुए चले जाइए एक और गुफे में. आपको दिखाता हूँ ये रहा. आप इस गुफे में ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से अंदर जाइए. जल्दबाजी मत करना, हेल्थ बहुत कम होगी. और भाई पहले दे रहा हूँ वार्निंग, पीसफुल मोड करके रखना क्योंकि यहाँ पे एक स्पॉनर है, बहुत सारे स्केलेटन और ज़ोंबी सबको मार डालेंगे, इसलिए पीसफुल मोड तो करके ही रखना. टॉर्चेस भी साथ साथ में लगाना ताकि आप भटके ना, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि भटक जाते. इसमें बिल्कुल मत जाना, बस सीधे जाना है आपको भाई. तो टॉर्चेस लगाते रहिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉनर के पास चेस्ट है जिसमें आयरन इंगट है, आर्मर है, सैडल, बोन, गन पाउडर, रेडस्टोन, वीट, बहुत कुछ है. तो फिर दूसरे वाले में भी ऐसे ही है, आप देख सकते हो हाँ इसमें. तो फिर आप एक काम करिए, आयरन इंगट जो आपको मिला है उससे आप पिकैक्स बना लीजिए. क्राफ्टिंग टेबल ले लिया, मैं पिकैक्स भी बना लिया. अब भाई तो सीधे जाइए बाहर निकलिए स्पॉनर हाउस से. और आप देख सकते हो पहले पहला लेफ्ट आएगा उसे छोड़ दीजिए. आप देख सकते हो दूसरा लेफ्ट, उसमें आपको जाना है. आप यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे है आयरन ओर, उसे छोड़ दो क्योंकि आगे बहुत सारे मिलेंगे. टॉर्च लगा लेता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो आयरन ओर. ये तो कुछ नहीं, आगे तो और भी बहुत सारे हैं. तो आप बिल्कुल मेरे नीचे पैर के नीचे देख सकते हो बहुत सारे आयरन हो रहे. वैसे मैंने ज़्यादा खुदाई नहीं की क्योंकि फिर टाइम हो जाता, टाइम लग जाता, लंबी वीडियो हो जाती है. फिर आप देख सकते हो दौड़ के मत जाना, ढंग से जाना. आप देख सकते हो नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है,
हमें उसके अंदर जाने पर संभाल के नीचे जो वो पानी दिख रहा है झरना, उसके बीच में से जाना है ताकि हमको चोट ना पहुंचे। आप देख सकते हो मैं नीचे आ गया हूँ। तो भाई बस यहाँ पे माइनिंग करिए, आपको 100% श्योर हूँ आपको गोल्ड डायमंड जो भी मैंने कहा था पहले वो सब मिलेगा। और आपने तो सुना ही होगा ज़रूर माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट ट्रायल में लावा के पास डायमंड्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हो सामने लावा है, आप यहाँ पे ज़रूर माइनिंग करना, आपको ज़रूर मिलेगा 100% श्योर हूँ। आप देख सकते हो वहाँ पे भी लावा है, तो हम वहाँ पे भी चलते। तो फिर आप देख सकते हो सामने लापिस लजुली है, वैसे एक ही नहीं बहुत सारे हैं पर मैंने ज़्यादा माइनिंग नहीं की। आप देख सकते हो लापिस लजुली, इसे ले लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो आप सामने रेडस्टोन भी देख सकते हो, उसे छोड़ दो, नहीं अगर लेना है तो ले लो, पर आगे बहुत सारे रेडस्टोन मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रेडस्टोन है, इसे इकट्ठा कर लीजिए, आपको करीब बहुत मिल जाएंगे। और भाई अगर आपके पास कॉबलस्टोन नहीं होगा तो इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि सामने लावा है और हमें उसे पार करके डायमंड की तरफ जाना है। अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने डायमंड है, तो भाई लावा को पार करके हमें जाना पड़ेगा, इसलिए कॉबलस्टोन लगा लीजिए। भाई तो आप देख सकते हो यहाँ पे है डायमंड्स, आप मुझे तो 4-8 डायमंड्स मिले, पर आपको और मिल सकते हैं माइनिंग करने के बाद। गोल्ड तो मैंने दिखाया नहीं पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सुबह बाय।